हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू लिटरेचर लवर्स विद एक यश राजवीर। सो सभी को ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है, बस एक बार कंफर्मेशन, बाकी की क्लास हम शुरू करते हैं। आप सभी लोग ठीक हैं? बढ़िया, फिट एंड फाइन? उम्मीद तो ऐसी ही है मुझे कि आप सब लोग बढ़िया होंगे, फिट फाइन होंगे, बढ़िया से होंगे। तो देखिए, अगर आप नए हो इस चैनल पर तो प्लीज आपका जो काम है वो कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सेशन को आपको लाइक करना है और बाकी आपको जो करना है वो आप समझते हैं, है ना। पढ़ना बड़े अच्छे से है, बाकी तो सारी चीजें अलग है। कोर्सेज की जानकारी के लिए नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है। टाइमिंग जो होती है व्हाट्सएप करने की, ये जैसे कॉल वगैरह भी आप करते हैं कभी, पहली बात तो व्हाट्सएप ही करें, कॉल तो मान लीजिए सेकेंडरी हो गया। आप इस पे 10 AM से लेकर के सुबह के 10 बजे से लेकर के शाम के 5 PM तक आप इन पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, सब कर दिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद का धन्यवाद आपका, सभी को गुड इवनिंग प्रणाम। और चलिए शुरू करते हैं। बाकी अगर आप इसको जैसे इस जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की पूरी सीरीज है, अगर आपको पूरी सीरीज देखना हो, वीडियोज पूरे के पूरे देखने हो, तो एक प्लेलिस्ट आपको यहां पर मिल जाएगी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की, देख लीजिएगा। वैसे आप समझदार हैं, ढूंढ ही लेंगे। तो उसी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में आपको पूरी की पूरी, जैसे बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की जो सीरीज है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे नजर नहीं आ रही कहां गई अपनी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, खैर होगी यहीं पर कहीं पर, मुझे नहीं नजर आ रही तो क्या हुआ आपको नजर। अरे भाई नजर आ जाओ ताकि मैं बच्चों को दिखा दूं, उसके बाद शुरू करें तो अच्छा भी लगेगा। नजर नहीं आते भाई, ओहो रूठ गई क्या हमसे प्लेलिस्ट ही। खैर कोई बात नहीं है, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है लेकिन अभी नहीं दिख रही फिलहाल में, दिखेगी कभी ना कभी। तो चलिए शुरू करें फिर। बिल्कुल हाँ, अब शुरू करते हैं। देखिए बिना किसी एड ब्रेक की अपनी क्लास चलेगी और आज हम पढ़ेंगे विक्टोरियन टाइम पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर। देखिए पिछली वाली क्लास में मैंने आपसे रोमांटिक टाइम पीरियड पर बात करी थी, है ना। तो रोमांटिक टाइम पीरियड में हमारा जो डिस्कशन हुआ था, दैट रोमांटिक टाइम पीरियड स्टार्टेड, सो 1798 से आपका रोमांटिक स्टार्ट होता है और 1837 तक का टाइम पीरियड जो है रोमांटिक टाइम पीरियड कहलाता है। काफी हमने अच्छी चर्चा की थी, बहुत बढ़िया वीडियो रहा, है ना, ठीक है। हाँ तो अब हम लोग बातचीत करते हैं कि जो 1837 से लेकर के 1901 तक का टाइम पीरियड रहा इन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, वो कैसा रहा, कौन कौन से वर्क लिखे गए और क्या क्या हुआ इंग्लैंड में, है ना। तो इसे बेसिकली विक्टोरियन एज के नाम से जानते हैं। क्यों विक्टोरियन एज? क्योंकि ये महारानी जी खड़ी है इधर मेरे बगल में, है ना। अगर आप चाहें तो आप मेरे बगल में इधर खड़े हो जाए, महारानी जी आपके बगल में खड़ी हो जाएंगी, सेल्फी भी ले सकते हैं आप, है ना। तो जो इस टाइम पीरियड की क्वीन थी इंग्लैंड की वो थी विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया इंग्लैंड की, इसीलिए इन्हीं के नाम पर इसे विक्टोरियन एज कहा गया। बता दूं मैं आपको कि इट वॉज लॉन्गेस्ट हिस्ट्री, इट वॉज द लॉन्गेस्ट रेन इन हिस्ट्री, मतलब इनका जो शासन काल था ना वो, प्लीज आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, मैं आपके आंसर्स बाद में दूंगा, आप पढ़िए अभी, है ना। मैं लास्ट में आपके सभी जो भी बातें होंगी तो आप मुझसे पूछिएगा, मैं आंसर दूंगा, है ना। हाँ नहीं तो बहुत सारे बच्चे डिस्टर्ब होंगे और मैं चाहता हूं कि सीरीज बड़ी स्मूथली चले। ये तो जो क्वीन विक्टोरिया थी वो वहां की महारानी थी इंग्लैंड की, है ना, इसीलिए इस टाइम पीरियड को विक्टोरियन एज कहा गया है, विक्टोरियन एज। और इट वॉज
द लॉन्गेस्ट हिस्ट्री, लेकिन 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 अब जो है लॉन्गेस्ट हिस्ट्री क्वीन एलिजाबेथ की है ना। अब जो लॉन्गेस्ट हिस्ट्री है वो है क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड की, फर्स्ट की नहीं। फर्स्ट वाली तो वो हो गई ना एलिजाबेथन टाइम पीरियड वाली, ठीक है, यस। और अब ये जो लॉन्गेस्ट हिस्ट्री, तो अब इन्हें हम कह सकते हैं ये फर्स्ट लॉन्गेस्ट हिस्ट्री मान ली जाएगी, है ना, फर्स्ट रेन, लॉन्गेस्ट रेन इन हिस्ट्री, और इसे कह दिया जाएगा सेकेंड लॉन्गेस्ट रेन इन हिस्ट्री, ऐसा अब आप कह सकते हैं। मतलब ये थोड़ा डेटा में परिवर्तन हो गया, क्योंकि अभी आपको बताइए क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड की डेथ हुई थी रिसेंट में ही, कुछ टाइम पीरियड पहले ही, तो अब इसे आप लॉन्गेस्ट रेन नहीं कहेंगे, वैसे आपको बुक्स में मिल सकता है, अब आप इसे बोलेंगे कि यह है सेकेंड लॉन्गेस्ट रेन इन हिस्ट्री। बस इतना आपको यह करेक्शन भी करना है, सेकेंड रेन इन सेकेंड लॉन्गेस्ट रेन इन ब्रिटिश हिस्ट्री, कि मतलब जब किसी रूलर ने रूल किया। विक्टोरियन एज में ये सारी चीजें आपको नजर आती हैं। बेसिकली विक्टोरियन एज वॉज द एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रिलीजन एंड साइंस, दो चीजें बड़ी प्रिवेलेंट थी इस टाइम पीरियड की। द रोल ऑफ साइंस कैन बी सीन एंड द रोल ऑफ रिलीजन। तो रिलीजन जो है डीके हो रहा था धीरे धीरे, रिलीजियस जो फेथ है लोगों का वो कम हो रहा था, और जो साइंस का पैटर्न है वो धीरे धीरे वो बढ़ता ही चला जा रहा था, रोल ऑफ साइंस, है ना, और रिलीजन जो था तो लोगों का धीरे धीरे जो है विश्वास कम होता जा रहा था। इस टाइम पीरियड में अगर आप देखें तो तीन चार पोएट्स, तीन चार नॉवलिस्ट बड़े इंपॉर्टेंट रहे हैं। पोएट्स की अगर मैं बात करूं तो पोएट्स में देखिए टेनिसन, ब्राउनिंग, मैथ्यू अर्नोल्ड, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, है ना, ये कुछ फेमस पोएट थे, जिनमें से अल्फ्रेड लॉ टेनिसन को रिप्रेजेंटेटिव पोएट कहा जाता है इस टाइम पीरियड का। और देखिए जो रिप्रेजेंटेटिव पोएट होता है तो आप उसे ऐसे भी कह सकते हो, क्या कह सकते हो, एज ऑफ द पर्टिकुलर ऑथर, तो आप इसे एज ऑफ टेनिसन कह सकते हो, क्योंकि टेनिसन का सबसे ज्यादा रोल आपको यहां पर देखने को मिलता है। जो महारानी थी विक्टोरिया, तो ओनली सी वॉज 18 ईयर ओल्ड एंड बिकम क्वीन ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड की महारानी बन जाती है। अब इंग्लैंड की महारानी बनने के बाद इनका रूल शुरू होता है। बाय द वे ये जो टाइम पीरियड था, इनके रूल का जो टाइम पीरियड था, तो ये कह सकते हैं आप कि मतलब बहुत ऐसा नहीं था कि उथल पुथल बहुत ज्यादा थी, काफी कामनेस थी ऐसा कह लीजिए। हाँ, कुछ चीजें जो है जैसे इंडिया में कुछ गड़बड़ चल रही थी, 1857 1857 की क्रांति होती है, है ना, तो इंडिया में क्योंकि इनका कॉलोनियल एक्सपेंशन बहुत था, खैर आगे मैं चर्चा करूंगा उस चीज को लेकर के। सो सी बिकम क्वीन एट द एज ऑफ 18 ईयर ओल्ड, और इस टाइम पीरियड में देखिए इनका जो अपना खुद का इंटरेस्ट था क्वीन विक्टोरिया का, सी वॉज इंटरेस्टेड इन ड्राइंग एंड एज वेल एज पेंटिंग, ये मतलब पेंटिंग और ड्राइंग दोनों में काफी इंटरेस्टेड हुआ करती थी। और इस बात का आपको सबूत कहां से मिलता है, तो अगर आपको ये जानना है कि ड्राइंग और पेंटिंग में ये कैसे, मतलब किस किस के ऐसे वर्क्स या मतलब क्या ऐसा रेफर करती थी जैसे हमें, जिससे हमें ये पता चलता है कि वो काफी इंटरेस्टेड थी। तो देखिए एक तो आप देखेंगे कि जॉर्ज एलियट, GEORGE, जॉर्ज एलियट, तो जॉर्ज एलियट के ये नॉवेल को इन्होंने, नॉवेल्स को पढ़ा था, और नॉवेल को पढ़ने के बाद इन्होंने पेंटिंग भी बनवाई थी, है ना, इनके नॉवेल को रीड किया और पेंटिंग भी बनवाई। जॉर्ज एलियट को तो आप जानते ही होंगे, मैरी एन इवांस, जो सूडो नेम से लिखती थी अपने, जॉर्ज एलियट इनका सूडो नेम था, मैरी एन इवांस इनका ओरिजिनल नेम था। इसी तरह से इन्होंने डीकेंस, चार्ल्स डीकेंस के इन्होंने वर्क को भी पढ़ा, चार्ल्स डीकेंस के नॉवेल को पढ़ा, और इसके अलावा क्योंकि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ही वाज द रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ द पीरियड, तो क्योंकि वो रिप्रेजेंटेटिव पोएट थे तो उनकी पोएट्री भी इन्होंने पढ़ी, है ना, तो टेनिसन का इन मेमोरियम इन्होंने पढ़ा था, है ना, टेनिसन, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, तो इनकी पोयम को इन्होंने पढ़ा, वही जिसका नाम इन मेमोरियम है, इन मेमोरियम है। तो कुल मिलाकर के देखिए इनका इंटरेस्ट था इस फील्ड में। जॉर्ज एलियट के नॉवेल को पढ़ा, इन्होंने पेंटिंग भी बनवाई उस पर बेस,
डिकेंस के नॉवेल्स को पढ़ा एंड इवन सी कमेंटेड, और टेनिशन, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिशन की पोएम. अच्छा, इसके पीछे एक रीजन था, क्योंकि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिशन की जो पोएम थी ना, इन मेमोरियम, है ना, इन मेमोरियम, इन मेमोरियम इन्होंने अपने फ्रेंड की डेथ पर लिखा था, आर्थर हेनरी हैलम की डेथ पर. और ये बात देखिए, आप भी जानते होंगे कि क्वीन विक्टोरिया के जो हस्बैंड थे प्रिंस अल्बर्ट, जर्मन प्रिंस, प्रिंस अल्बर्ट, तो उनकी हो जाती है डेथ. तो ये जो पोयम है ऑलरेडी सैडनेस को एक्सप्रेस करती है, और इधर क्वीन भी काफी सैड ही थी, है ना, क्वीन काफी सैड ही थी. तो इसका मतलब अब आप समझ गए होंगे कि भाई बात बिल्कुल सही है, करेक्ट, बात जो है बिल्कुल सही है. इसका मतलब यहां पर यह हो जाता है क्लियर क्लियर कि भाई दुख जो है दुख दुख ही होता है, है ना, दुख जो है दुख ही होता है. तो ये एक मतलब आप कह सकते हैं कि ये सैडनेस भी थी क्वीन विक्टोरिया की. आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे हम चीजों को देखते हैं. जैसे हम ये देखते हैं कि 1840 सी गॉट मैरिड विद जर्मन प्रिंस अल्बर्ट एंड डाइड ऑन इन द ईयर 1861 के टाइम पीरियड में देखिए इनकी डेथ हो जाती है. तो आप कुछ खास नहीं, देखिए वही 21 ईयर अप्रोक्सीमेटली साथ रहा, और 21 ईयर के बाद यू नो प्रिंस अल्बर्ट ही डाइड. एंड प्रिंस अल्बर्ट ही ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड गाइस, यू नो, एक प्रिंस अल्बर्ट ने एक बहुत बड़ी मतलब एग्जीबिशन, ग्रेट एग्जीबिशन का नाम अगर आपने कभी सुना है, आप में से बहुत सारे विद्यार्थियों ने सुना ही होगा क्योंकि आप लोग सब एस्पिरेंट हैं. सो ग्रेट एग्जीबिशन गाइस, है ना, मैं यहां से थोड़ा इधर घूम के लिखता हूं, ग्रेट एग्जीबिशन. अच्छा, ये जो ग्रेट एग्जीबिशन थी, तो इससे लेकर के भी कई बार सवाल बन जाते हैं. ग्रेट एग्जीबिशन जो है ये मुझे लगता है 1851 है, अगर गलत हो तो प्लीज आंसर कर दीजिएगा. 1851 में एक पैलेस बनाया गया था और इसका नाम था CRYS क्रिस्टल पैलेस, और इस क्रिस्टल पैलेस में जो है एक ग्रेट एग्जीबिशन, ये बहुत बड़ी प्रदर्शनी थी उस समय की, मतलब समझ लीजिए दुनिया की सबसे बड़ी प्रदर्शनी, ऐसा मानिए. सो क्रिस्टल पैलेस में इसे बेसिकली ऑर्गेनाइज किया गया था, और एक बार एग्जाम में आपके यूजीसी में है या किसी में पूछा था कि क्रिस्टल पैलेस के डिजाइनर कौन थे, तो उनका नाम था जोसेफ पैक्सटन, जोसेफ पैक्सटन. तो जोसेफ पैक्सटन ने इसे डिजाइन किया था, और यहां पर जो कंटेम्परेरी टेक्नोलॉजी थी एट दैट टाइम पीरियड, वॉट एवर टेक्नोलॉजी वॉज देयर इन इंग्लैंड, उस सारी टेक्नोलॉजी को जो है यहां पर क्रिस्टल पैलेस में सारी जो चीजों को जो है पुट किया गया था, तब आप समझ सकते हैं. और ये सारा जो अरेंजमेंट था, ये अरेंजमेंट प्रिंस अल्बर्ट ने अपने कमांड पर करवाया था. गाइज, व्हाई दे ऑर्गेनाइज्ड दिस पर्टिकुलर एग्जीबिशन, वो सिर्फ चाहते थे कि अपना पावर दिखा दे, है ना, क्योंकि इंग्लैंड को अपना पावर भी दिखाना था. इसीलिए ग्रेट एग्जीबिशन का जो क्रिस्टल पैलेस था, तो इस पैलेस का 50% जो मतलब पार्ट था, तो 50% इन्होंने खुद अपने लिए लेजर रिजर्व रखा, रिमेनिंग पार्ट वो दुनिया की तमाम सारी कंट्रीज को दे दिया कि तुम अपनी अपनी चीजें टेक्नोलॉजी दिखा सकते हो, थोड़ी थोड़ी जगह बाकी दुनिया को दे दी, 50% अपने लिए इन्होंने रिजर्व रखा था, तमाम सारी मशीनरीज एंड ऑल. तो मतलब ये बात यहां से ये भी प्रूव्ड हो जाती है दैट इट वॉज द टाइम पीरियड ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज धीरे 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 डेवलप हो रही थी गाइज, है ना, यस. चलिए अब एक काम करते हैं हम लोग, थोड़ा सा और आगे चलते हैं. आफ्टर डेथ ऑफ द जर्मन प्रिंस, अब दुख तो होता ही भाई, हस्बैंड है, तो हस्बैंड की डेथ के बाद सी स्टार्टेड वियरिंग ब्लैक ड्रेसेस एवरी डे एंड रेस्ट ऑफ हर लाइफ, हमेशा ही ब्लैक ड्रेसेस में रही ये. इस टाइम पीरियड में हमें साइंस और रिलीजन का एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, साइंस एंड रिलीजन का एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है. सच में गाइज, ये साइंस वर्सेस रिलीजन का जो पार्ट है, अगर आप अर्नोल्ड को पढ़ते हैं, मैथ्यू अर्नोल्ड को, सो इन हिज पोएम्स यू विल फाइंड, यस, ही वॉज लैमेंटिंग ऑन द लॉस ऑफ रिलीजियस फेथ, है ना, यस, ही वॉज लैमेंटिंग ऑन द लॉस ऑफ रिलीजियस फेथ, बिकॉज religious faith that was declining day by day,
रिलीजियस फेथ दैट वॉज डिक्लाइनिंग मतलब डे बाय डे वो डिक्लाइन हो रहा था धीरे 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 धीरे, तब आप समझ सकते हैं। और ये मैथ्यू अर्नोल्ड जो थे इनको मतलब थोड़ा सा साइंटिफिक टेम्परामेंट उस टाइम पीरियड का कम पसंद था, है ना। तो इसीलिए गाइज यू कैन सी लैमेंट। एंड हाँ, अल्फ्रेड लॉर्ड जो टेनीशियन थे, तो टेनीशियन ने विक्टोरियन, टेनीशियन इज नोन फॉर विक्टोरियन कंप्रोमाइज। व्हाई? बिकॉज टेनीशियन ने जो साइंस का डेवलपमेंट था और रिलीजियस जो चेंजेस थे दोनों को एक्सेप्ट कर लिया था। यस, ही एक्सेप्टेड इट, सो दैट्स व्हाई गाइज ये प्रॉब्लम उनकी सॉल्व थी। हाँ, तो ये आपने अब देख लिया कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जैसे आप देखते हैं ना, स्टीम इंजन, जो स्टीम इंजन है, हैंडलूम वाला काम है, वो सारा कुछ इसी टाइम पीरियड में डेवलप होता है। इन दिस टाइम पीरियड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और स्टीम इंजन है, और कुछ जैसे कपड़े बुनने वाली मशीन एंड ऑल है, तो उस टाइम पीरियड में यहां पर ही डेवलप होती है ड्यूरिंग विक्टोरियन टाइम पीरियड। कार्ल मार्क्स, देखिए मार्क्स की मार्क्सिस्ट थियरी, कार्ल मार्क्स नोन फॉर हिज थियरी दैट इज मार्क्सिस्ट थियरी, इनका गाइज कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो एंड दास कैपिटल, इनके दो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है, दीज आर द टू इंपॉर्टेंट वर्क, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो एंड दास कैपिटल, ही केम अप विद दीज टू वर्क्स। और इनकी जो थियरी है वो मार्क्सिस्ट थियरी, जो बात करती है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मींस, मतलब जो प्रोडक्शन के, जो प्रोडक्शन के मीडियम है, संसाधन है जो, तो उनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, समझ रहे हैं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मींस, संसाधनों का इक्वल वितरण। एक बार प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर आपको ठीक लगे तो प्लीज लाइक जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। सेशन को लाइक कर देने से थोड़ा ताकत बनी रहती है हमारी, बाकी तो ऐसा है कि ताकत तो शुरू से अंत तक है ना। यस, नाउ सी गाइस, चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डार्विन के बारे में आप जानते हैं। देखिए चार्ल्स डार्विन बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे वैसे, और काफी फेमस वैज्ञानिक। अभी रिसेंटली अगर आप देखें तो रिसेंट में जो है कुछ बातें जो है चार्ल्स डार्विन से रिलेटेड अभी काफी कॉन्फ्लिक्ट में थी, अगर आपने ध्यान दिया हो, नहीं ध्यान दिया, ध्यान दिया होगा, वैसे काफी कुछ बातें थी जो कॉन्फ्लिक्टिंग थी, और वो ऐसी कॉन्फ्लिक्टिंग थी कि मत पूछिए। क्या कॉन्फ्लिक्टिंग थी बता डालूं मैं आपको? बताना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना बताए काम नहीं चलेगा। एक्चुअली अभी चार्ल्स डार्विन की जो थियरी है, थियरी ऑफ ग्रेजुअल एवोल्यूशन, उसको सिलेबस से हटाने वाली बातचीत चल रही थी, मैं कुछ चेंजेस कर रहा था, हाँ, है ना। सो चार्ल्स डार्विन का एक बहुत ही फेमस वर्क आता है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये एग्जाम में पूछा जाता है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। अच्छा, ये ओरिजिन ऑफ स्पीसीज को लेकर के आपके एग्जाम में मल्टीपल टाइम क्वेश्चंस आ चुके हैं ओरिजिन ऑफ स्पीसीज को लेकर के, जैसे इसका ईयर पूछ लेते हैं, या कई बार जैसे अभी यूजीसी नेट के एग्जाम में भी पूछ लिया, या अदर एग्जाम्स में पूछ लेते हैं, तो इसको याद जरूर रखिएगा, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, है ना, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। सो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ये 1859 के टाइम पीरियड में ये वर्क आया था, है ना। अब 1859 में जैसे कई सारे अदर वर्क आए, एक डिकेंस का भी वर्क आया था 1859 के टाइम पीरियड में, इस वर्क को भी काफी इंपॉर्टेंट माना गया है, इस वर्क को मतलब काफी इंपॉर्टेंट, और ये ईयर तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बात मानिए। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में चार्ल्स डार्विन ने ऐसा कौन सी बात कह दी, तो बस इन्होंने दिया था थियरी ऑफ ग्रेजुअल एवोल्यूशन और नेचुरल सिलेक्शन वाली बातचीत कही थी, है ना। मैन इज द रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल एवोल्यूशन, नॉट मेड बाय गॉड, क्योंकि इंसानों का यही हमेशा से मानना रहा है कि हमें भगवान ने बनाया। अब इंसानों की अगर रचना देवताओं ने या भगवान ने अगर की है, और चार्ल्स डार्विन ऐसी बात करेंगे दैट मैन इज द रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल एवोल्यूशन, एक क्रमिक विकास का परिणाम है, सो देन कॉन्फ्लिक्ट तो रेज होना बहुत ही स्वाभाविक है। इस टाइम पीरियड में एक और गाइज नाम आता है हक्सले का, इवन हक्सले ने तो यह भी कह दिया दैट गॉड इज डेड, हक्सले ने कहा था दैट गॉड इज डेड, एंड इफ गॉड इज डेड
इट इज द टाइम टू इन्वेंट हिम, मतलब ऐसी ऐसी बातें आई जिससे क्या होता है कि रिलीजियस जो फेथ है वो कमजोर पड़ जाता है। यस, टेल ऑफ टू सिटीज करके वर्क आया था ना, टेल ऑफ टू सिटीज, ये एग्जाम में भी क्वेश्चन आते रहते हैं कि 1859 में कौन से ऐसे वर्क आए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। यस, नाउ गाइज, अब हम थोड़ा सा मैं बातचीत करूंगा कि कार्ल मार्क्स के बाद चार्ल्स डार्विन और कोलोनियल एक्सपेंशन। भाई सब कोलोनियल एक्सपेंशन की बात ना कीजिए, इंग्लैंड ने इतनी कॉलोनीज बनाई कि पूरी दुनिया को तबाह करने का जैसे ठेका ले रखा था। बहुत सारी कॉलोनीज बनाई। आप देखते हैं इंडिया, अफ्रीकन कंट्रीज, अमेरिका को भी पहले कभी बनाया था, तो अमेरिका ने तो अपनी स्वतंत्रता ले ली ड्यूरिंग रोमांटिक टाइम पीरियड, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड। अदर कंट्रीज, दुनिया की तमाम सारी कंट्रीज में बहुत ही कम इनसे कोई बचा था जहां पर इन्होंने अपनी कॉलोनीज नहीं बनाई। हाँ, कहीं कहीं पर आवाज उठती रहती थी तो अपना ये सब संभाल लेते थे, इतना दिमाग रखते थे ये लोग। सो यू कैन सी गाइज कि कॉलोनियल एक्सपेंशन दैट वॉज इन पीक, बहुत ही ज्यादा पीक में हमें नजर आता है कॉलोनियल एक्सपेंशन। एंड ड्यू टू कॉलोनियल एक्सपेंशन इन्होंने अपने कल्चर, इन्होंने अपनी सारी चीजों को दूसरों पर इंपोज किया। व्हाट दे डिड, जस्ट इंपोज्ड, और कुछ भी नहीं किया ऐसा। यही इंपोज करने का काम इनका था और वही किया। एजुकेशनल एक्सपेंशन इन दिस टाइम पीरियड गाइज, वी हैव सीन की थोड़ा सा एजुकेशन पर वर्क किया गया, इवन वुमेन्स एजुकेशन उस पर भी फोकस किया गया कि वुमेन्स की एजुकेशन भी बहुत जरूरी है। और साथ में अगर आप देखें कि रिफॉर्म बिल इस टाइम पीरियड के बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले थे। ये रिफॉर्म बिल हैं 1832, 1867, 1884, 1885। सो दीज आर द रिफॉर्म बिल। और ये जो रिफॉर्म बिल थे, तो जैसे वोटिंग राइट्स, फैक्ट्री बिल, फैक्ट्री में आर्स काम करने के, और एक चीज जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लेकर के आया वो ये था गाइज, चाइल्ड लेबर। ड्यूरिंग विक्टोरियन टाइम पीरियड सस्ते मजदूर ढूंढते थे, और सस्ते मजदूर का मतलब है, अब आप समझते हैं कि सस्ते मजदूर चाहिए तो बच्चों को पकड़ लेते थे, चाइल्ड लेबर काफी इंक्रीज हुआ। एंड इवन इन टेनिसन्स वर्क यू कैन सी, है ना, और बेसिकली स्लेवरी दैट वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ देयर कल्चर, इंग्लिश कल्चर का पार्ट था स्लेवरी, स्लेब्स की ट्रेडिंग ये भी चल रही थी, काफी कुछ ऐसा ही चलता रहा। और फिर भी इस टाइम पीरियड को कहा जाता है कि ये टाइम पीरियड थोड़ा काम था। अब ये एक ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग थोड़ा सा काम था। बाय द वे गाइस, इसके बाद अब क्या हुआ कि मैं बता दूं आपको, इस टाइम पीरियड में हमें देखने को मिलते हैं बहुत सारे अलग अलग पोएट। इस टाइम पीरियड में कौन से अलग अलग पोएट्स मिलते हैं, तो आइए मैं आपको वन बाय वन बताता चलूंगा, और इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क भी मैं आपको बताता चलूंगा। सो विक्टोरियन टाइम पीरियड की जो पोइट्री थी, क्योंकि इस टाइम पीरियड में मैं सबसे पहले पोइट्री की बातचीत करूंगा, सो पोइट्री ऑफ द पीरियड। अब पोइट्री क्या थी, पोइट्री में कौन कौन से पोएट्स थे, तो देखिए आप पहला नाम देखते हैं टेनिशन का, TENYSON, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिशन, एंड ही वॉज ऑल्सो पोएट लॉरिएट ऑफ इंग्लैंड। ये पोएट लॉरिएट भी थे इंग्लैंड के, यस। और पोएट लॉरिएट कब बने थे, क्योंकि विलियम वर्ड्सवर्थ की जो डेथ है वो 1850 में हो गई, तो 1850 में जब डेथ हो जाती है विलियम वर्ड्सवर्थ की, इसके बाद ये बन जाते हैं पोएट लॉरिएट, ये तब इसके बाद जो है पोएट लॉरिएट बन जाते हैं। और 1850 से लेकर के 1992 तक, 1892 तक अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिशन ही रिमेन्ड पोएट लॉरिएट ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड के ये पोएट लॉरिएट रिमेन्ड रहे। अब क्योंकि ये तो वैसे भी पोएट लॉरिएट बन गए, तो अब आप जानते हैं कि ये तो एसोसिएट हो गए किससे, बेसिकली जो रॉयलिटी है तो रॉयलिटी से एसोसिएट हो गए। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिशन की बहुत सारी ऐसी पोएम्स हैं जो आपके एग्जाम में कई बार पूछी जाती हैं, वन बाय वन मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, प्लीज आप देखिएगा, ठीक है। जैसे अगर आप देखें तो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिशन की एक पोएम है जिसका नाम है ULYSSES,
एक तो है यूलिसिस, दूसरी पोयम जो इंपॉर्टेंट हो अल्फ्रेड लॉ टेनिशन की, उसका नाम मैं क्या ले लूं, क्या नाम लिया जा सकता है गाइस? एक इनकी पोयम है ब्रेक ब्रेक ब्रेक, बी आर ई ए के, ये लिरिक है ब्रेक ब्रेक ब्रेक, ये भी एक बहुत अच्छा लिरिक है गाइस, है ना। इनकी पोयम मॉड भी है, एम ए यू डी। इनकी पोयम और कौन सी है, प्रिंसेस है, पी आर आई एन सी ई एस, प्रिंसेस भी है। ओके यस, इसके अलावा और कौन सी इनकी पोयम हमें नजर आती है अल्फ्रेड लॉ टेनिशन की? तो देखिए यूलिसिस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, मॉड, प्रिंसेस, और कौन सी है, मोर्टे डी अर्थर, आइडल्स ऑफ द किंग, मोर्टे डी अर्थर पर बेस्ड है, आई डी वाई डबल आई, आइडल्स ऑफ द किंग। लोटस ईटर्स इनकी एक पोयम का नाम है, लोटस ईटर्स। ओके, और एक और पोयम जो बहुत ही फेमस हुई, दैट इज इन मेमोरियम, इन मेमोरियम, ये बहुत ही फेमस रही इन मेमोरियम, जो इन्होंने अपने फ्रेंड आर्थर हेनरी हैलम के लिए लिखा था। इन मेमोरियम ही रोट फॉर हिज वेल नोन फ्रेंड, जिनका नाम था आर्थर हेनरी हैलम, बोला जाता है ए एच हैलम। ए एच हैलम कौन थे, इनके एक फ्रेंड भी थे, और एक बात और थी इनके साथ जुड़ी हुई, इनकी एक सिस्टर थी जिसका नाम था एनली, तो वो इंगेज्ड भी थी ए एच हैलम के साथ, एंड ए एच हैलम डाइड, इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, यस, ए एच हैलम की, आर्थर हेनरी हैलम की जो है डेथ हो जाती है, गॉट इट, यस। और यही वो पोयम है जो बेसिकली सैडनेस को रिप्रेजेंट करती है। अपार्ट फ्रॉम दीज पोएम्स, अल्फ्रेड लॉ टेनिशन ने ड्रामास भी लिखे हैं। अल्फ्रेड लॉ टेनिशन ही ऑल्सो रोट ड्रामास, लेकिन इनके ड्रामा जो है फेमस हो कम पाते हैं। ठीक है, एज ए ड्रामेटिस्ट ये सब फेल थे। इनका एक ड्रामा का नाम है मैरी, नाम है शायद मैरी है नाम है, और एक ड्रामा है इनका बी ई सी के ई टी, बेकेट। ये दो बेसिकली जो है इनके, ये ड्रामास के नाम हैं जो मैं आपको शो कर रहा हूं, है ना। हाँ, लेडी ऑफ शैलट भी है, बिल्कुल लेडी ऑफ शैलट भी है, और भी हैं जैसे चार्ज ऑफ द लाइट बिग ग्रेड करके भी पोएम है। ओके, सो अ नंबर ऑफ पोएम्स आर देयर बाय अल्फ्रेड लॉ टेनिशन, एंड ये एक दो दो चार पोएम्स मैंने यहां पर मेंशन करी हैं जो थोड़ी इंपॉर्टेंट हैं, और वो भी ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है गाइस, है ना। तो एक मैरी करके लिखा इन्होंने, बेकेट करके लिखा, सो दीज आर हिज प्लेज, गॉट इट, दीज आर हिज प्लेज, जो ये प्लेज भी इन्होंने लिखे थे बेसिकली। बट बहुत ज्यादा एज अ प्ले राइट ही वॉज नॉट पॉपुलर एट ऑल, कि अगर आप कहें कि एज अ प्ले राइट क्या वो पॉपुलर थे। एंड गाइज बेसिकली जो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिशन है नोन फॉर विक्टोरियन कंप्रोमाइज, कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है, हु इज नोन फॉर विक्टोरियन कंप्रोमाइज, तो आपके जो है विक्टोरियन कंप्रोमाइज के लिए अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिशन जाने जाते हैं, है ना। ये देखिए इनकी कुछ पोएम्स लिखी हुई हैं, लेडी ऑफ शैलट, लोटस ईटर्स, यूलिसिस, मोर्टे डी अर्थर, एंड इन मेमोरियम तो है ही इनकी, सो दीज आर द वेल नोन वर्क एसोसिएटेड विद अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिशन। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिशन के बाद दूसरे जो इंपॉर्टेंट आपके पोएट मिलने वाले हैं, तो दूसरे इंपॉर्टेंट पोएट हैं गाइस मैथ्यू अर्नोल्ड, एंड एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड की लैमेंट ऑन लॉस ऑफ रिलीजियस फेथ, दैट कैन बी सीन इन अर्नोल्ड्स पोएम। There is a well-known poem by Matthew Arnold, and the name of the poem is Dover Beach. And Dover Beach is the poem where you can see Matthew Arnold, he was lamenting on loss of religious faith. जो religious faith के loss पर बातचीत करते हुए नजर आते हैं. Lament on loss of religious faith, Matthew Arnold. So, ये guys नजर आते हैं आपको। मैथ्यू अर्नोल्ड के कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट वर्क हैं जिनको हम लोग देख सकते हैं? सो मैथ्यू अर्नोल्ड ने वैसे अगर देखा जाए तो बहुत सारी पोएम्स लिखी हैं अर्नोल्ड ने। आइए मैं कुछ आपको बता देता हूं जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, है ना। सो अर्नोल्ड की पोएट्री के बारे में भी थोड़ी बातचीत कर ली जाए, क्योंकि जो जो एग्जाम के हिसाब से कॉमनली इंपॉर्टेंट है वो जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। करेक्ट, यस।
मैथ्यू अर्नोल्ड, देखिए मैथ्यू अर्नोल्ड के अगर पोएम्स की बात करेंगे तो मैथ्यू अर्नोल्ड की एक पोएम जो बहुत ही फेमस रही, इसका नाम था टी एच वाई आर एस आई एस थायरसिस। एक पोएम रही जो रग्बी चैपल के नाम से जानी जाती है, रग्बी चैपल, ठीक है, एक रग्बी चैपल के नाम से जानी जाती है। एक पोएम है इनकी, जैसे अगर आप देखें तो शेक्सपियर करके, शेक्सपियर। एक इनकी और पोएम है जिसका नाम है मेमोरियल वर्सेस, मेमोरियल वर्सेस, है ना। इसके बाद इनकी मेमोरियल वर्सेस के बाद एक और पोएम का नाम यहां पर देखिए, ये है डॉवर बीच, डॉवर बीच, डॉवर बीच, है ना। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस वन पोएम जैसे थायरसिस, एक है इनकी स्कॉलर जिप्सी, एस सी एच ओ एल ए आर एंड जी वाई पी एस वाई, स्कॉलर जिप्सी। अच्छा, ये पोएम है मैथ्यू अर्नोल्ड की, लेकिन आपने एक चीज नोटिस करी कि मैंने यहां पर लिखा और लिखने के बाद मैंने ये लाइन छोड़ दी। मैंने लाइन क्यों छोड़ी है उसके पीछे मैं रीजन आपको बता देता हूं। जैसे थायरसिस इन्होंने अपने एक फ्रेंड के लिए लिखा था जिसका नाम था ए एच क्लॉग, आर्थर ह्यू क्लॉग, ये भी एक पोएट ही थे। एंड ही रोट रग्बी चैपल फॉर हिज फादर थॉमस अर्नोल्ड, अपने फादर के लिए, है ना। ये एग्जाम में क्वेश्चन हो जाते हैं, जैसे थॉमस अर्नोल्ड एलिजी है, बात याद रखिएगा, ये भी एलिजी है, ये भी एलिजी है। शेक्सपियर एलिजी नहीं है बेसिकली, बट ये शेक्सपियर, शेक्सपियर के लिए ही इन्होंने लिखा था, शेक्सपियर, शेक्सपियर के लिए ही इन्होंने लिखा था। मेमोरियल वर्सेस, मेमोरियल वर्सेस इन्होंने तीन पोएट्स के लिए लिखा था, विलियम वर्ड्सवर्थ, डब्ल्यू वर्ड्सवर्थ, है ना, एंड जी ओ ई टी एच ई गेटे, और एक और थे बी वाई आर ओ एन बायरन। ये तीन लोगों के लिए इन्होंने लिखा था मेमोरियल वर्सेस, है ना। और स्कॉलर जिप्सी एक ऑक्सफोर्ड स्कॉलर के लिए इन्होंने लिखा था, स्कॉलर जिप्सी एक ऑक्सफोर्ड स्कॉलर के लिए लिखा था। मतलब मैथ्यू अर्नोल्ड ने काफी कुछ इस तरह से लिखने का काम किया, ठीक है, यस, काफी कुछ मैथ्यू अर्नोल्ड ने इस तरह से लिखने का काम किया। बाय द वे अभी कुछ पोएम जैसे छूट गई हैं मुझसे, वो भी एक दो पोएम है ऐसी जो छूटी जा रही है, जैसे सोहराब एंड रुस्तम, सोहराब एंड रुस्तम, सोहराब एंड रुस्तम है एक, एक और पोएम है इनकी, और सोहराब एंड पोएम नहीं है बेसिकली, ये प्ले है, मेरोप एक ट्रेजेडी भी है इनकी, एम ई आर ओ पी ई, ये बेसिकली एक ट्रेजेडी है, ठीक है, दिस इज अ ट्रेजेडी मेरोप। तो ऐसी कुछ पोएम देखिए मैं जो जो मेरे माइंड में आती जाती हैं वो मैं लिखता जा रहा हूं, है ना। और भी बहुत सारी पोएम हो सकती हैं, ऐसा नहीं मानिएगा कि सर ने बस इतना ही बताया है, बहुत सारा कुछ लिखता है एक राइटर अपनी जिंदगी में। एंड एज अ क्रिटिक ही वॉज ऑल्सो फेमस, मैथ्यू अर्नोल्ड जो है आपके एज अ क्रिटिक बहुत ही फेमस थे, है ना। जैसे एज अ क्रिटिक ही रोट स्टडी ऑफ पोएट्री, स्टडी ऑफ पोएट्री एक इनका वर्क है, बहुत ही फेमस है ये भी, स्टडी ऑफ पोएट्री। एक और वर्क लिखा कल्चर एंड अनार्की, कल्चर एंड अनार्की, कल्चर एंड अनार्की। सो दीज आर द वेल नोन पोएम्स, एसोसिएट पोएम्स वर्क्स, ये दोनों बेसिकली नॉन फिक्शन का पार्ट है, ये दोनों जो वर्क है नॉन फिक्शन है। ये ड्रामा हो गया आपका, ये वाला जो वर्क है ये ड्रामा है, अलग ही कैटेगरी है इसकी, है ना। बाकी कुछ पोएम्स हैं आप देख ही रहे हैं। सो मैथ्यू अर्नोल्ड ने काफी कुछ लिखा, है ना, बिल्कुल। नाउ अब हम थोड़ा सा प्रोसीड करते हैं और प्रोसीड करके ये देखने की कोशिश करते हैं कि और भी कौन से इंपॉर्टेंट, वैसे मैंने सारी पोएम्स इनकी बता दी, अदर इंपॉर्टेंट जो पोएट थे जिनमें से आप नाम लेते हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग का, एंड रॉबर्ट ब्राउनिंग वॉज मास्टर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग, रॉबर्ट ब्राउनिंग ही वॉज मास्टर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। ये मोनोलॉग गाइज एक पोएम्स का फॉर्म होता है बेसिकली, जहां पर एक सिंगल स्पीकर होगा, साइलेंट लिसनर होगा, और पोएम जो है स्पीकर पूरी नैरेट करता है,
दैट इज बेसिकली नोन एज ड्रामेटिक मोनोलॉग. एक्शंस एंड ऑल, एक्शन ऑफ द लिसनर जो होते हैं वो बताते चलते हैं. प्लीज लाइक कर दीजिएगा, है ना. जितने लोग आप देख रहे हैं उससे बहुत कम लाइक है, कंजूस काफी हैं आप लोग, है ना. ज्ञान देने में जब हम कंजूसी नहीं करते तो आप लोग लाइक में कंजूसी, शेयरिंग में, और इस वीडियो के बाद कमेंट बॉक्स में, अभी नहीं मतलब इस वाले बॉक्स में नहीं, चैट बॉक्स में नहीं, लास्ट में जब ये वीडियो खत्म हो जाए तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, है ना. कोई कमी लगे तो प्लीज कमी जरूर, इस बार मुझे कमी जाननी है, क्या कमी रहती है मेरी क्लासेस की, वो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिएगा. आई विल चेक एंड गेट बैक टू यू. ओके, ठीक है. सो रॉबर्ट ब्राउनिंग नोन एज द मास्टर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग. रॉबर्ट ब्राउनिंग इज नोन फॉर ऑप्टिमिज्म. ऑप्टिमिज्म इनका एक मतलब बहुत बड़ा हथियार था. एंड इन्होंने पोइट्री भी लिखी एंड प्लेज भी लिखे, है ना, पोइट्री एंड प्लेज एज वेल. जैसे इनकी कुछ पोएम्स के नाम मैं यहां पर लेता हूं, जैसे पोरफ्रियाज लवर, रबी बेन एजरा, एंड हाउ दे ब्रॉट द गुड न्यूज फ्रॉम गेंट टू एक्स, एंड पाइड पाइपर ऑफ हैमलिन. एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग से तो उन्होंने शादी करी थी. फ्रा लिप्पी लिप्पो, ये है फ्रा लिप्पो लिप्पी, एंड्रिया डेल सैराटो, माई लास्ट डचेस, ये इनके कुछ फेमस पोएम्स है. अच्छा, ये तो इनकी फेमस पोएम हो गई. अपार्ट फ्रॉम पोएम्स, जो आपके ब्राउनिंग थे, आई मीन रॉबर्ट ब्राउनिंग, तो रॉबर्ट ब्राउनिंग ने प्लेज भी लिखे हैं, है ना. हाँ, जैसे अभी रॉबर्ट ब्राउनिंग के प्लेज को लेकर के एग्जाम में आपके क्वेश्चन आया था, आ जाता है. देखिए, हर तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं, इन क्वेश्चंस की कोई भरोसा ना मानिए कि कहां से क्या पूछ ले. बट यस, ही रोट अ फ्यू प्लेज एज वेल. जैसे एक बहुत फेमस प्ले है रॉबर्ट ब्राउनिंग का, इसका नाम है पिप्पा पासेस, पी आई पी पी ए एंड पी ए डबल एस ई एस, पी ए डबल एस ई एस, पिप्पा पासेस. ये जो पिप्पा पासेस करके इनका एक ड्रामा है ना, इस ड्रामा में एक लाइन आती है, एंड दैट इज गॉड इज इन हिज हेवन एंड ऑल इज वेल विद द वर्ल्ड. गॉड इज इन हिज हेवन एंड ऑल इज वेल विद द वर्ल्ड. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इनका प्ले है, गॉड इज इन हिज हेवन एंड ऑल इज वेल विद द वर्ल्ड. इसी के रिप्लाई में आपके टॉमस हार्डी भैया ने एक लिखा था वर्क, कौन सा, थॉमस हार्डी ने लाइन्स लिखी थी, गॉड इज नॉट इन हिज हेवन एंड ऑल इज नॉट विद द वर्ल्ड. गाइस, स्टफोर्ड करके भी एक इनका वर्क है ना, यस, एस टी ए डबल एफ ओ आर डी. और इसके अलावा भी तीन चार प्लेज लिखे हैं आपके रॉबर्ट ब्राउनिंग ने, ठीक है. लास्ट राइड टुगेदर कलेक्शन में है. लास्ट राइड टुगेदर तो पूरी पोयम ही है, पूरी की पूरी लास्ट राइड टुगेदर. तो लास्ट राइड टुगेदर तो बहुत ही, जैसे बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक पोयम है. प्रोस्पीके इज देयर बाई रॉबर्ट ब्राउनिंग. अब जैसे आप देखेंगे लास्ट राइड टुगेदर, फेल आई अलोन इन वर्ड्स एंड डीड्स व्हेन ऑल मैन स्ट्राइव्स एंड हु सक्सीड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है. जैसे प्रोस्पीके में आप देखेंगे, आई वॉज एवर अ फाइटर सो वन फाइट मोर द बेस्ट एंड द लास्ट. प्रोस्पीके तो मैंने यूट्यूब पे पढ़ाई भी है, अगर आप चाहें तो सर्च कर सकते हैं, है ना. यस, सो इस तरह से आप देखते हैं कि जो रॉबर्ट ब्राउनिंग थे, ही नॉट ओनली रोट पोएम्स, पोएम्स के साथ साथ उन्होंने प्लेज भी लिखे, एंड वॉज अ ग्रेट लवर एज वेल गाइज, है ना. प्ले भी लिखे और He was also great lover, क्योंकि एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग से उन्होंने शादी की थी और एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग के लिए लाइफ टाइम वो डेडिकेटेड भी रहे, तो ऐसा हम कह सकते हैं. इसके बाद अगर हम विक्टोरियन टाइम पीरियड में पोएट्स को देखें तो रॉबर्ट ब्राउनिंग की वाइफ थी जिनका नाम था एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग. एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, सी वॉज ऑल्सो अ वेल नोन एंड वेल इस्टेब्लिश्ड पोएट, है ना. यस, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग वो भी बहुत अच्छी पोइट्री लिखती थी. जैसे इनकी पोएम्स में एक पोएम का नाम मैं आपको याद दिलाऊंगा, सभी लोग जानते हैं, हाउ डू आई लव दी. इनकी बहुत ही फेमस पोएम है हाउ डू आई लव दी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है, हाउ डू आई लव दी.
यस हाउ डू आई लव दी, इसी में अपोरिया नाम का जो एक बेसिकली वो होता है ना डिवाइस होता है या टर्म जो पाया जाता है ना इसी में है, हाउ डू आई लव दी, है ना। तो ये इनकी एक पोयम का नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट पोयम है गाइस। और इनके इनका एक वर्क आया था ए यू आर ओ आर ए अरोरा ले एल ई आई जी एच, ये गाइस बेसिकली एक वर्क है जो वर्स नॉवल कहलाता है, वर्स नॉवल वी ई आर एस ई। और ये जो नॉवल है जैसे आपके विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा ना प्रिल्यूड, उसी पैटर्न पर ये वाला भी वर्क है, वेयर यू कैन सी द बायोग्राफिकल पैटर्न ऑफ एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, है ना। यस ठीक है, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग। अरे आप लोग सब मुझे एग्जाम में लिया चला करो, मैं बता दूंगा कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, है ना। देखिए आप लोग पढ़िए, पढ़ेंगे तो सब क्वेश्चन मिल जाएंगे, और नहीं पढ़ेंगे तो आप समझते हैं कि फिर होगा क्या, करेक्ट। नहीं पढ़ेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि क्या आता है क्या नहीं आता। इसके बाद एक ग्रुप हम देखते हैं इस टाइम पीरियड में, पोएट्स का ग्रुप था और इसे बोला जाता है प्री रैफलाइट पोएट्स, जानते होंगे आप लोग प्री रैफलाइट पोएट पोएट्स, है ना। सो जो ये प्री रैफलाइट पोएट्स थे प्री रैफलाइट पोएट्स, तो ये जो प्री रैफलाइट पोएट्स थे ये कौन थे बेसिकली। अच्छा ये एक पोएट्स का ग्रुप था और ये ग्रुप जो है फॉर्म हुआ था 1848 के टाइम पीरियड में, 1848 के टाइम पीरियड में, है ना, बिल्कुल। अब अगर आप 1848 के टाइम पीरियड में देखें तो ये ग्रुप आता है, इसमें मेन मेन फिगर्स के नाम मैं आपको बता दूं, जैसे रॉसिटी गाइज, डी जी रॉसिटी, है ना, डी जी रॉसिटी थे, डी जी रॉसिटी, क्रिस्टीना थी, सी एच आर आई एस टी आई एन ए, क्रिस्टीना रॉसिटी इनकी बहन थी, स्वीनबर्न थे, ए सी स्वीनबर्न, ए सी स्वीनबर्न, है ना, यस, जॉन एवरेट मिलियास, जॉन एवरेट मिलियास, जॉन एवरेट मिलियास, दीज आर द वेल नोन फिगर, और इनके अलावा भी हो सकते हैं, है ना, यस, जॉन एवरेट मिलियास। तो ये बेसिकली प्री रैफलाइट पोएट्स के ग्रुप थे। इस पोएट इन पोएट्स के ग्रुप को एक इंसान थे उसी टाइम पीरियड के जिन्होंने क्रिटिसाइज कर दिया था, है ना, यस। तो किसने क्रिटिसाइज किया था, उसका नाम था रॉबर्ट, आर ओ बी ई आर टी एंड बी यू सी एच एन ए एन, रॉबर्ट बचनन ने, इसने क्रिटिसाइज किया था इन लोगों को, है ना। और एक जो है इन्हीं से एसोसिएटेड एक पीरियोडिकल था जिसका नाम था दी जर्म, दी जर्म, ये पीरियोडिकल है, पीरियोडिकल भी एसोसिएटेड था। और रॉबर्ट बचनन ने इन्हें क्या कहा था, तो रॉबर्ट बचनन ने इन्हें कहा था फ्लैशी, एफ एल ई एस एच एल वाई, फ्लैशली स्कूल ऑफ पोएट्स, स्कूल ऑफ पोएट्स इनको कहा था, ठीक है, यस, रॉबर्ट बचनन का स्टेटमेंट था फ्लैशली स्कूल ऑफ पोएट्स, है ना। हाँ ये प्री रैफलाइट पोएट्स या प्री रैफलाइट ब्रदरहुड के नाम से भी जाना जाता है, प्री रैफलाइट पोएट्स और प्री रैफलाइट्स ब्रदरहुड, है ना, यस, प्री रैफलाइट ब्रदरहुड। तो ये दोनों मतलब वही चीजें हैं सारी बातें। अब ये बेसिकली आपके तो कुछ पॉइंट हो गए जो मैंने प्री रैफलाइट्स के बारे में बताया। डीजी रॉसिटी की एक बहुत ही फेमस पोयम का नाम मैं आपको बता देता हूं, इस पोयम का नाम है ब्लेस्ड डेमोजेल, ब्लेस्ड डेमोजेल एक पोयम है बहुत ही फेमस। इनकी जो क्रिस्टीना रॉसिटी की एक फेमस पोयम थी वो थी गोबलिन मार्केट, जी ओ बी एल आई एन एंड एम ए आर के ई टी, गोबलिन मार्केट। एग्जाम में अगर ये वाले से क्वेश्चन आ जाते हैं ब्लेस्ड डेमोजेल से, ये वाले से, ठीक है, हाँ ब्लेस्ड डेमोजेल, तो यहां से क्वेश्चंस आ जाया करते हैं। तो ये दो पोएम्स हैं बेसिकली जो मैंने इस ग्रुप के साथ आपके बता दी।
ये जो पोएट्स थे ना, तो ये पोएट्स पेंटिंग भी बनाते थे बेस्ड ऑन पोएट्री। जैसे इन्होंने एक पेंटिंग बनाई थी इस ग्रुप ने, और वो थी पेंटिंग जो जॉन कीट्स थे, जॉन कीट्स का एक की एक पोयम है जिसका नाम है पॉट ऑफ बेसिल, पॉट ऑफ बेसिल। तो उसी पोयम पर बेस्ड इन्होंने पेंटिंग भी बनाई थी, इसीलिए क्योंकि राफेल जो है ना ये पेंटर थे, रेनेसा टाइम पीरियड के बहुत ही अच्छे पेंटर थे राफेल, इसीलिए इनको प्री रैफलाइट कहा गया। ठीक है ना, यस, इसीलिए इनको प्री रैफलाइट कहा गया। आई होप सो कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी, है ना, यस। बाकी इसके बाद हम और क्या देख सकते हैं इस टाइम पीरियड में? देखिए इस टाइम पीरियड में हम कुछ नॉवलिस्ट देखते हैं ड्यूरिंग विक्टोरियन टाइम पीरियड। आप बहुत सारे नॉवलिस्ट देखते हैं, जिनमें से कुछ नाम मैं ले लेता हूं। जैसे आपके चार्ल्स डिकेंस, चार्ल्स डिकेंस जो थे बेसिकली ये नॉवलिस्ट कहलाते हैं पुअर क्लास के, पुअर पीपल्स के, नॉवलिस्ट ऑफ पुअर पीपल्स चार्ल्स डिकेंस। कई सारी सोशल प्रॉब्लम्स के बारे में इन्होंने लिखा अपनी राइटिंग में। एंड चार्ल्स डिकेंस के वेल नोन वर्क जैसे आप देखें ग्रेट एक्सपेक्टेशन, है ना, ग्रेट एक्सपेक्टेशन, और ग्रेट एक्सपेक्टेशन के अलावा जैसे अगर आप देखें तो डेविड कॉपरफील्ड, है ना, डेविड कॉपरफील्ड, जो चार्ल्स डिकेंस के काफी इंपॉर्टेंट वर्क नजर आते हैं। और देखिए डिकेंस जैसे ओलिवर ट्विस्ट है, निकोलस निकल भी है, डेविड कॉपरफील्ड है, और वो तो मैंने बता ही दिया ग्रेट एक्सपेक्टेशन, है ना। ऐसे कुछ वर्क लिखे आपके चार्ल्स डिकेंस ने, टेल ऑफ टू सिटीज, हार्ड टाइम्स, ये सारे चार्ल्स डिकेंस के वर्क है। एलिजाबेथ गास्किल ने भी उसी टाइम पीरियड में लिखा, है ना, एलिजाबेथ गास्किल ने, खैर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रही। विलियम मैकपीस थाकरे का एक वर्क आया था जिसका नाम था द वैनिटी फेयर। वैसे वर्क तो बहुत सारे इन्होंने लिखे थे, लेकिन वैनिटी फेयर ये वर्क बहुत ही पॉपुलर हो गया। क्यों? क्योंकि इसका एक टाइटल है अ नॉवल विदाउट अ हीरो, यही पूछा जाता है, अ नॉवल विदाउट अ हीरो, अ नॉवल विदाउट अ हीरो। ठीक है, ये कई बार एग्जाम्स में आपके पूछ लिया जाता है, अ नॉवल विदाउट अ हीरो, ठीक है ना, ग्रेट, अ नॉवल विदाउट अ हीरो। ये जो बेसिकली आपके विलियम मैकपीस थाकरे का है। अच्छा, ये जो वैनिटी फेयर है ये ऐसा एक नॉवल है, द नॉवल दैट इज बेस्ड ऑन द अपर क्लास सोसाइटी, सिल्वर फॉक नॉवल की कैटेगरी में से रखा जाता है, सिल्वर फॉक नॉवल। और इसका जो टाइटल है विलियम मैकपीस थाकरे के वर्क का, ये टाइटल आता है एक बहुत ही वेल नोन वर्क से जिसका नाम था पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। और ये पिलग्रिम्स प्रोग्रेस जो वर्क है इसे लिखा था जॉन बनियान भाई साहब ने। किसने लिखा था? जॉन बनियान नाम के एक राइटर थे, जॉन बनियान, बी यू एन वाई ए एन, जॉन बनियान नाम के एक राइटर ने लिखा था। और उसमें जो वैनिटी फेयर है ना, ये इस नाम का एक प्लेस नजर आता है, वैनिटी फेयर, वैनिटी फेयर नाम का एक प्लेस नजर आता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे विलियम मैकपीस थाकरे। इधर आपकी ब्रोंटे सिस्टर्स थी, ब्रोंटे सिस्टर्स को स्टॉर्मी सिस्टर भी कहा जाता है, स्टॉर्मी सिस्टर्स के नाम से भी जाना जाता है, खतरनाक थी। अच्छा, लेडीज की जो बेसिकली जो फीमेल्स की राइटिंग थी ड्यूरिंग विक्टोरियन टाइम पीरियड, तो ये जो फीमेल्स की राइटिंग थी इसमें बड़ी कुछ चीजें हमें और आपको देखने को मिलती हैं। पता है क्या था फीमेल्स की राइटिंग की समस्या? ये थी कि वेमेन नॉवलिस्ट वर नॉट ओपनली एक्सेप्टेड इन सोसाइटी। अगर कोई वेमेन नॉवल लिख दे तो मतलब ये समझिए कि लोग पढ़ना नहीं पसंद करते थे। दैट्स वाई मोस्ट ऑफ द वेमेन राइटर्स वॉट दे डिड, दे स्टार्टेड अडॉप्टिंग सूडोनेम। ये मतलब सूडोनेम, मतलब सूडोनेम का मतलब फेक नेम अडॉप्ट कर लेती थी और फिर फेक नेम से लिखती थी। जैसे ये तीन सिस्टर्स थी, शार्लोट ब्रोंटे, एमिली ब्रोंटे, एन ब्रोंटे, शार्लोट ब्रोंटे, एमिली ब्रोंटे एंड एन ब्रोंटे, और तीनों बहनों ने अलग अलग सूडोनेम अडॉप्ट किए थे, है ना, यस, एलिसबेल, एक्टनबेल, क्यूररबेल। इन्होंने नाम जो अडॉप्ट किए थे एलिसबेल, एक्टनबेल, क्यूररबेल, इन्होंने तीन नाम और तीनों बहनों ने अलग अलग मेल नेम अडॉप्ट किए थे।
है ना, और अगर अपना नाम मेंशन कर दें इफ दे, तो बस समझिए फिर काम हो जाता था इनका, लोग पढ़ते नहीं थे, सो दैट्स व्हाई दे अडॉप्टेड। देखिए जेन आयर इनका बहुत ही फेमस वर्क है, जेन आयर, और इवन वुदरिंग हाइट्स, दिस इज ऑल्सो फेमस वर्क बाई इमली ब्रॉन्टे एंड एग्नेस ग्रे एंड ब्रॉन्टे का बहुत ही फेमस वर्क है। दीज आर द फेमस वर्क एसोसिएटेड विद दीज राइटर्स। तो ये नॉवलिस्ट थे इस टाइम पीरियड के, और इसके बाद एक और नॉवलिस्ट हैं जो यहां पर शायद आपको नजर नहीं आ रहे, तो मैं एक काम करता हूं कि मैं उनका नाम ले ही लेता हूं, है ना। इनका नाम था बेसिकली क्या, तो ये थे आपके टॉमस हार्डी भाई साहब। हार्डी जो थे, ही वॉज हाईली पैसिमिस्टिक, बहुत ही ज्यादा निराशावादी विचारधारा के आदमी थे, है ना। और जो बेसिकली रेवोल्यूशन का इफेक्ट है, दैट कैन बी सीन इन टॉमस हार्डी। अब टॉमस हार्डी के कुछ वर्क्स के बारे में बातचीत कर ली जाए। हाँ, टॉमस हार्डी, तो देखिए जब टॉमस हार्डी की बातचीत हम लोग करते हैं, तो एक तो ये पैसिमिस्टिक बहुत ही ज्यादा थे, इनकी राइटिंग ही पैसिमिस्टिक थी, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है, ही स्टार्टेड हिज करियर एज अ पोएट, मतलब करियर की स्टार्टिंग इन्होंने एज अ पोएट करी, और बीच के पीरियड में इन्होंने नॉवेल लिखे, और इसके बाद फिर इन्होंने अपने एंडिंग टाइम पीरियड में फिर से इन्होंने पोएट्री लिखी, मतलब पोएट एंड पोएट ऐसा। इनके कुछ अगर फेमस वर्क्स की तरफ अगर आप देखें कि कौन कौन से इनके फेमस वर्क है, सो ही वॉज पोएट एंड एज वेल एज नॉवलिस्ट। तो एज ए नॉवलिस्ट इन्होंने कौन से वर्क लिखे, एक तो इनका फार फ्रॉम मैडिंग क्राउड है, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, है ना, ये एक वर्क, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। एक है इनका मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज के बाद इन्होंने और कौन सा वर्क लिखा है, तो जैसे इनका एक वर्क है टेस, टेस ऑफ डी अर्बर विल्स, इसका एक और टाइटल है प्योर वुमेन, है ना, प्योर वुमेन, फेथफुली रिप्रेजेंटेड, फेथफुली रिप्रेजेंटेड, फेथफुली रिप्रेजेंटेड, प्योर वुमेन फेथफुली रिप्रेजेंटेड, है ना। मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, इसका भी एक टाइटल है, क्या है गाइस, मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, लाइफ एंड डेथ ऑफ अ मैन ऑफ कैरेक्टर, है ना, ऐसे ही कुछ करके है, मैन ऑफ कैरेक्टर करके, ओके यस। जैसे इन्होंने ये वर्क लिखा अंडर द ग्रीन वुड ट्री, अंडर द ग्रीन वुड ट्री, ग्रीन वुड ट्री। देखिए टॉमस हार्डी थे तो विक्टोरियन, बट विक्टोरियन से लेकर के मॉडर्न टाइम पीरियड तक ये लिखते रहे। ड्यूरिंग मॉडर्न टाइम पीरियड टॉमस हार्डी ही ऑल्सो रोट वॉर पोएम, जैसे एक इनकी पोएम है ड्रमर्स हॉ, है ना, यस, ड्रमर्स हॉज करके इन्होंने पोएम लिखा। वेसेक्स इनका जो प्लेस है, जो वेसेक्स, तो वेसेक्स के बारे में ही लिखते हैं, तो वेसेक्स के इनके नॉवेल्स की इनके सेटिंग वेसेक्स मिलेगी, इनके चाहे वो पोएम हो चाहे वो नॉवेल हो, दोनों की सेटिंग बेसिकली आपको वेसेक्स नजर आने वाली है। इवन जो है इनके एक कलेक्शन का भी नाम है वेसेक्स पोएम्स, WWESE वेसेक्स पोएम्स, वेसेक्स पोएम्स इनके एक कलेक्शन का भी नाम है ये मान लीजिए, यस, क्योंकि वेसेक्स जो प्लेस था उसी के बारे में ये लिखते रहते थे, है ना। तो ये बेसिकली इनका रीजन था, जैसे बोलते हैं ना एक रीजनल नॉवलिस्ट, सो ही वॉज अ रीजनल नॉवलिस्ट गाइस। तो इन्होंने कुछ ऐसे वर्क लिखे, अभी इसके अलावा भी बहुत सारे वर्क है, जैसे फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड का जो टाइटल है दैट कम्स फ्रॉम टॉमस ग्रेज एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्च यार्ड, टॉमस ग्रे की एलिजी से आता है, एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्च यार्ड। और ये अंडर द ग्रीन वुड ट्री, ये एक विलियम शेक्सपियर के एक प्ले से आता है, कभी आप देखिएगा अच्छा लगेगा आपको,
ठीक है। जॉर्ज एलियट भी इसी टाइम पीरियड की एक काफी वेल नोन नॉवलिस्ट थी, जॉर्ज एलियट। अब जैसे जॉर्ज एलियट को आप देखें तो जॉर्ज एलियट का आता है द मिल ऑन द फ्लॉस, ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है द मिल ऑन द फ्लॉस। सिलास मार्नर एक इनका वर्क है, रोमुला, मिडिल मार्च, डेनियल डेरोंडा, सो दीज आर द वर्क एसोसिएटेड विद जॉर्ज एलियट। और जॉर्ज एलियट का वैसे नाम था मैरी एन इवॉन्स, है ना, उनका ओरिजिनल जो नाम था दैट वाज मैरी एन इवॉन्स, बट स्टिल इन्होंने जो है अपना शूडो नेम अडॉप्ट किया, एंड आफ्टर अडॉप्टिंग शूडो नेम सी रोट, सूडो नेम अडॉप्ट करने के बाद फिर इन्होंने लिखा था। विक्टोरियन टाइम पीरियड में एक मूवमेंट भी आपको देखने को मिलता है, एंड दैट इज नोन एज एस्थेटिक मूवमेंट, AESTHETIC, एस्थेटिक मूवमेंट। एंड दिस एस्थेटिक मूवमेंट इज नोन फॉर द पर्टिकुलर कोट, ये कोट था आर्ट फॉर आर्ट्स, आर्ट फॉर आर्ट सेक, ये इनका बेसिकली स्लोगन था आर्ट फॉर आर्ट सेक। और लेटर ऑन ये मॉडर्न टाइम पीरियड में चेंज हो जाता है, पता है वो आते हैं फिर आपके क्या नाम है जीबी सा, जॉर्ज बर्नार्ड सा। तो जॉर्ज बर्नार्ड सा ने कहा आर्ट फॉर आर्ट सेक नहीं, आर्ट फॉर लाइफ सेक, आर्ट फॉर लाइफ सेक, है ना। तो ये बेसिकली जैसे आपके ऑस्कर वाइल्ड एंड ऑल, वॉल्टर पीटर, ये आपके एस्थेटिक मूवमेंट या डेकरेंस मूवमेंट के साथ एसोसिएटेड हमें नजर आते हैं। इसके अलावा गाइज और भी आपके राइटर रहे जो विक्टोरियन टाइम पीरियड में रहे, जैसे आर एल स्टीवेंसन का एक वर्क है ट्रीजर आइलैंड, जॉर्ज मेरेडिथ का द इगोइस्ट, एडवर्ड लिटरंस द लास्ट डेज ऑफ पॉम्पी, चार्ल्स रीड मास्क एंड फेसेस, एंड एंटनी ट्रॉलोप भी थे जिन्होंने द वार्डन, विकी कॉलिंस द मून स्टोन, एंड जोसेफ कॉनराड्स लॉर्ड जिम, नेथानियल हैथोन स्कारलेट लेटर, बहुत ही फेमस वर्क है, है ना। तो ये इसी टाइम पीरियड के अदर जो है बिलोंगिंग पोएट्स और भी थे, अदर राइटर्स थे, ये नॉवलिस्ट हैं और इनमें से कुछ आपके प्लेराइट्स हैं। सो ये आपका विक्टोरियन टाइम पीरियड था, और इस तरह से विक्टोरियन टाइम पीरियड में आपको बहुत सारी चीजें, बहुत कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं, है ना। काफी कुछ आपने देखा और काफी कुछ आपने समझने की कोशिश करी, वैसे समझने की कोशिश तो आप हमेशा करते हैं। अगला जो पीरियड होगा जब मैं अगली क्लास में आपको पढ़ाऊंगा तो वो होगा मॉडर्न पीरियड। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर आपको नोटिफिकेशन ना मिलता हो तो मेरा रिक्वेस्ट है चेक कीजिएगा, और ऑल पर आपको क्लिक करना है सो दैट आपको ऑल नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है, ग्रेट, ऑल नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मजे से पढ़ो, ठीक है। बाकी इस चैनल में बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं, वो आप देख सकते हैं। कोई कोर्स चाहिए अगर आपको तो यहां पर आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर दिए गए नाम और कोर्स का नाम भेजना होगा आपको। और अगर आप यूजीसी नेट और सेट के एस्पिरेंट हैं तो यूजीसी नेट और सेट के एस्पिरेंट अन अकेडमी द लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके यहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अंकित कुमार साहू राजवीर नाम से। फॉलो करने पर आपको क्लासेस की जो जैसे फ्री क्लासेस भी मेरी यहां पर अवेलेबल रहती हैं, पेड क्लासेस यूजीसी नेट एंड सेट एग्जाम्स के लिए मैं आपको अन अकेडमी द लर्निंग ऐप पर पढ़ाता हूं। इस ऐप को डाउनलोड करके आप कोर्स भी ले सकते हैं। कोड होगा मेरा AKS राजवीर, जैसे यहां पर देखिए लिखा हुआ है तो AKS राजवीर ये आप यूज करेंगे तो जो डिस्काउंट का उस समय चल रहा होगा पैटर्न तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, एंड यू विल गेट इनरोल्ड इन माई कोर्सेस। तो आप यहां पर अपनी तैयारी कर सकते हैं यूजीसी नेट सेट के लिए। बाकी अदर आपको अगर कोई अपार्ट फ्रॉम यूजीसी नेट एंड सेट अगर करते हैं तो व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको बताया नीचे भी चल रहा है, उस पर आप मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। सो आज की क्लास के लिए मेरी तरफ से इतना ही, और अगर आप एमपी सेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके एमपी सेट की एग्जाम डेट जो है बढ़ गई है ना, तो एमपी सेट एग्जाम एग्जाम डेट जो है उसकी बढ़ गई है एमपी सेट वाली। अभी मुझे शायद अभी पता भी चला था, थोड़ी देर पहले क्या बहुत पहले पता चल गया था, बताने में ही मैं लेट कर रहा हूं। तो एमपी सेट वालों के लिए एक छोटा सा वीडियो भी बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं।
ओके तो चले फिर गाइज, थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर, और फिर आपसे मिलेंगे। देखिए अभी अगर किसी भी एग्जाम की कोई जानकारी हमारे पास आएगी, आपको पूछने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है? जिस भी एग्जाम की जानकारी आती है वो फटाफट एक वीडियो बना के आपको इन्फॉर्म किया जाता है। यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी, यूजीसी नेट, सेट एग्जाम, एलटी ग्रेड एग्जाम, किसी भी एग्जाम की कोई भी सूचना। क्यों? अरे भाई हमारे पास रह करके वो सूचना करेगी क्या? वो तो आप ही के लिए है ना। जब आपको वो सूचना बना बताएंगे तभी तो आप लोग चैनल पर आकर के देखेंगे ना, है ना? तो अभी कोई ऐसी एक्सक्लूसिव जानकारी मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है, कभी भी आपको पूछने की जरूरत नहीं है। अगर मेरे पास कोई खुफिया जानकारी, कोई जानकारी मिलेगी, यूपी टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, एमपी ग्रेड वन, सेट एग्जाम, एलटी एग्जाम, नेट एग्जाम, किसी भी एग्जाम की, जिस एग्जाम के लिए यहां पर क्लासेस चलती है, ऑटोमेटिकली मैं आपके साथ आऊंगा, नोटिफिकेशन के साथ डिस्कस कर दूंगा, है ना? तो चलिए, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा और मुस्कुराते रहिएगा, ठीक है? यस, जैसे ही अगर कोई सूचना आती है तो सबसे पहले मैं आपको दूंगा। चलिए तो चलू मैं फिर, थैंक। हाँ, ये सेशन सबके लिए हेल्पफुल है, विक्टोरियन एज किसी एग्जाम के लिए नहीं है, सभी एग्जाम्स के लिए है ये, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर ऑल एग्जाम्स में, ठीक है? चलिए, जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा, अगली क्लास में मिलेंगे।